नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर विधायक आजम खां शुक्रवार को करीब 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर निकलकर आजम खां ने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की। वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर वहां से रवाना हो गए। आजम खां के दोनों बेटे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रमुख शिवपाल यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव आजम खां को रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल के लिए रवाना हुए थे। जेल से बाहर आकर आजम खां ने कुछ देर शिवपाल यादव से बातचीत भी की। फिर शिवपाल यादव अपनी गाड़ी से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव बोले कि आजम खां हमारे साथी हैं, उनसे आगे भी मुलाकात होती रहेंगी। वहीं आजम की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी अखिलेश यादव के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, आखिर में जाकर सच्चाई की जीत हुई है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो कितने दिन के बाद रिहाई मांगती है? तकरीबन 2.5 साल के बाद रिहाई हो रही है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हाई कोर्ट ने भी जो फैसले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, हमारे साथ इंसाफ किया है, आजम साहब के साथ इंसाफ किया है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा था, संज्ञान लिया था इस बात का भी कि ऐसी कौन सी बात है कि एक जमानत होते ही फौरन दूसरा मुकदमा लग जाता है। तो इसे इंसाफ की जीत मानती है? हाँ बिल्कुल, इंसाफ की, सच की जीत है, सच्चाई की जीत है। अच्छा, पार्टी का जो रवैया रहा है जिसमें समर्थकों में नाराजगी थी, उसमें अब किस तरह का रवैया रहेगा? ये तो आजम साहब आकर खुद बताएंगे। समर्थकों में तो नाराजगी थी, अखिलेश के खिलाफ नाराजगी थी, नाराजगी तो अब भी है समर्थकों में। आप क्या महसूस कर रही हैं? अब आजम साहब आ जाएं, एक दो दिन में खुद आ जाएंगे तो वो खुद ही बताएंगे। सीतापुर जेल से बाहर निकलकर आजम खां पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे, जहां आजम खां ने समर्थकों से मुलाकात की और नाश्ता किया। समर्थकों से गले मिलते वक्त आजम खां भावुक भी नजर आए। यहां से आजम खां रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खां के वकील जुबैर अहमद ने बताया कि शत्रु संपत्ति और 3 स्कूलों के फर्जी मान्यता के मामले में उनकी रिहाई के 2 आखिरी परवाने गुरुवार रात को सीतापुर जेल पहुंचे थे। आजम खां को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन 89 मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर उनको अंतरिम जमानत दे दी। माननीय न्यायालय के सामने सरेंडर किया था, उस वक्त उनके खिलाफ तकरीबन 80-90 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, 100 से ऊपर हो चुके थे। उसके बाद कुछ मैटर्स ख़त्म हो गए और तकरीबन उनको 84 केसेस में बेल मिल गई। और जब तीन मैटर्स के अंदर जब उनके बेल पेंडिंग थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और जब लिस्ट नहीं हो रही थी, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई और इंटरिम बेल मांगी कि यहाँ लिस्ट नहीं हो रही है, बहुत काफ़ी अरसा हो गया और 84 मुकदमों में बेल हो चुकी है, हम 2 साल से अंदर हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपीडिशियस डिस्पोजल का डायरेक्शन दिया कि हाई कोर्ट में आप जाके इसको फाइल करें। वो फाइल करने के बाद 2 मैटर में उनको बेल फिर मिल गई। एक मैटर में 4 दिसंबर 2021 से ऑर्डर रिजर्व हुआ था और वो ऑर्डर फिर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी जब वो नहीं निकल पा रहे थे, इस एक मुकदमे में हमने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और फिर इंटरिम बेल के लिए कहा, और लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक डेट के लिए आगे रखा और इस बीच में कहा कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है तो हम फैसला सुनाएंगे। उसमें उसके बाद उस मैटर में भी बेल हो गई। इस प्रक्रिया में जब कोर्ट ने रखा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखा, इस बीच में एक मुकदमा है 70/2020 क्राइम नंबर, वो मार्च 2020 में दर्ज हुआ था जब आजम खां साहब जेल के अंदर थे। उसमें चार्जशीट डॉक्टर तजीन फातिमा मैडम के ख़िलाफ़ लगी, उनकी वाइफ के ख़िलाफ़, सितंबर 2020। आजम खां साहब का ना कोई इंक्वायरी में नाम, ना FIR में नाम, ना चार्जशीट में नाम, और वो ट्रायल चल रहा है उसका। चार्जशीट फाइल हो गई है, कॉग्निजेंस में ले लिया गया 2 साल पहले। अब 2 साल बाद उसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेंट में एक एप्लीकेशन दी कि साहब ऐसा है कि ये इसमें आजम साहब भी मुलव्वज़ हैं, मतलब बिना किसी इंक्रीमिनेटिंग एविडेंस के, और उनको इस यहाँ पर उस केस में न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसमें जो हमारा पहले से ही मैटर पेंडिंग था उसमें IA लगाई और ये कहा कि ये तो इस कोई एंड नहीं होगा,
आपके आदेश के बावजूद हम एक दूसरे मुकदमे में इन्वॉल्व कर लिया गया है, और फिर हमने एक सेपरेट रिट पिटीशन फाइल करी। कोर्ट ने दोनों मैटर को क्लब करके सरकार से जवाब मांगा, और जवाब आने के बाद पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में यह एक ऐतिहासिक फैसला है कि डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी पावर का एक्सरसाइज करते हुए आज़म खान साहब को पर्सनल लिबर्टी का उनका जानबूझकर ली जा रही थी, उनको इंटरिम बेल दी है। और लेकिन वो ऑर्डर आज 17 मई 2022 में बहस हुई थी, और आज ऑर्डर जो था वो प्रोनाउंसमेंट उसमें होना था, उस दिन रिजर्व हो गया था। इस बीच में कल बहुत लेट आवर्स में आईओ साहब की तरफ से इसी केस में एक एप्लीकेशन लगी कि हमें पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए। उस एप्लीकेशन के अंदर ये बात छुपा ली गई कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरिम बेल पर बहस हो गई, ये बात छुपा ली गई कि सारी बातें रिमांड, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये भी उनकी तरफ से कहा गया था अपने काउंटर में कि हमें रिमांड चाहिए, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए, रिकवरी करानी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी, बेल दे दी। ये तमाम तथ्य इस एप्लीकेशन में छुपा लिए गए, और माननीय न्यायालय के सामने पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया। आज सुबह उसके बारे में पता चला, आज की डेट उसमें रख लिया गया था, हमने कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि ये सब छुपा लिया गया, आज प्रोनाउंसमेंट होने वाला है, जजमेंट आ गया, जजमेंट की कॉपी हमने न्यायालय के सामने फाइल कर दी। बावजूद इसके तमाम जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये आर्गूमेंट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाने के बावजूद भी आप इससे पुलिस कस्टडी रिमांड देंगे और ये आपको अधिकार है, जिसको हमने चैलेंज किया। हमने ये कहा कि ये एक कंटेम्प्ट है माननीय उच्चतम न्यायालय की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए रिलीज के लिए कहा गया है। सारे जो आर्गूमेंट यहाँ हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हो चुके हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और एक बार जब कोर्ट ने बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको पालन करना ये कर्तव्य है जो निचली अदालत है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की जो एप्लीकेशन है वो खारिज की, और हमारे उस जो हमने बेल ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था इंटरिम बेल ऑर्डर वो फाइल किया, उस पर 1,00,000 रुपये की 2 श्योरिटी दाखिल करने के लिए कहा। वहीं आजम खां की रिहाई पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आजम पर मुकदमे राज्य सरकार ने नहीं बल्कि पीड़ितों ने दर्ज कराए हैं। आजम खां को सजा जरूर मिलेगी, जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आजम खां दोष मुक्त हो गए हैं, उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार के द्वारा पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे नहीं थे। ये मुकदमे पीड़ितों की ओर से, गरीबों की ओर से, उनकी ओर से दर्ज कराए गए थे जिन पर अत्याचार किया था आजम खान ने सत्ता में रहते हुए। आज आजम खान की जमानत हुई है। जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि उनको दोष मुक्त मान लिया गया है, उनके अपराधों की उनके माफी मिल गई है। आजम खान को सजा मिलकर के रहेगी। ट्रायल कोर्ट जब अपना ट्रायल पूरा करेगी तो आजम खान के लिए सजा मुकर्रर जरूर होगी। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम खान का स्वागत किया और ट्वीट में लिखा, झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं। गौरतलब है कि आजम की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। सिब्बल ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनैतिक द्वेष का शिकार बना रही है। साथ ही कहा था कि आजम खां 2 साल से जेल में है, उन्हें अब जमानत दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को रामपुर जिले के कोतवाली थाना से जुड़े एक मामले में आजम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार में आजम खां की जमानत याचिका का विरोध किया गया और उन्हें भूमाफिया और आदतन अपराधी करार दिया था। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। मेडिग्लो हेल्थ केयर, जहां एंटी एजिंग, रिंकल, ब्लैक हेड्स, कील मुहासे, पिगमेंटेशन, पील्स जैसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। यही नहीं, अल्ट्रा एडवांस लेजर मशीन द्वारा त्वचा, बाल और लेजर सौंदर्य उपचार, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल। मेडिग्लो हेल्थ केयर, महानगर, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।